शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और काफी दिनों के बाद आप सबसे मैं इस टाइम किचन में मिल रही हूँ। काफी अर्ली मॉर्निंग है, तकरीबन 5:30 हो रहे हैं और मैं सरस्वती के लिए लंच तैयार करने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मंडे का, लेकिन एक दिन लेट जा रहा है क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, मैं कहीं चली गई थी। और कहाँ गई थी उसका ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, मे बी नेक्स्ट ब्लॉग जाएगा, तो एक दिन लेट है ब्लॉग। और सरस्वती की फरमाइश थी सूजी टोस्ट ले जाने की, तो सूजी को मैंने रात को ही दही में सोख करके रख दिया था फ्रिज में। बस उसमें सारे सब्जियां बारीक कट करके ऐड करूंगी और फटाफट से टोस्ट तैयार कर लूंगी। मेरे पास आज शिमला मिर्च था, धनिया का पत्ता था, हरी मिर्च और प्याज, तो मैंने यही ऐड किए हैं। वैसे इसमें आप लाल पीली शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, मैंने ग्रीन कैप्सिकम ही ऐड किए हैं। और सारे सब्जियों को बारीक कट करके ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। और इसमें फिर कुछ मसाले जाएंगे, ज़्यादा कुछ मैं ऐड नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, चिली फ्लेक्स वो भी अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही। बस इन सभी चीज़ों को मिक्स करके ब्रेड पे अप्लाई कर देंगे और इसको सेक लेंगे। मोस्टली जब सरस्वती के लिए सूजी टोस्ट बनाना होता है तो मैं घी में सेकती हूँ। वैसे मैं और दिनेश जी इसको ऑलिव ऑयल में लेते हैं। तो आज तो सिर्फ मैं सरस्वती के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज तो है मंडे और मेरा तो फास्ट है, तो बस सरस्वती के लिए ही बनाने लगी हूँ मैं। और इसी में से एक पीस सरस्वती अभी खा के भी चली जाएगी बनाना स्मूदी के साथ। जब भी सरस्वती का पेपर होता है तो वो दूध पी के नहीं जाती है। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ अच्छा काम हो ना, शुभ काम हो, तो ऐसा माना जाता है दूध देख के जाना बहुत शुभ होता है, लेकिन खा के जाना हमारे यहाँ शुभ नहीं माना जाता है, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो जब भी सरस्वती का पेपर होता है ना, तो वो दूध में बना हुआ चीज़ खा के नहीं जाती है, जैसे मैंगो शेक, बनाना शेक, कोई भी शेक खा के नहीं जाती है, दही के साथ खा के जाती है। तो उसको मैंने बनाना स्मूदी दिए थे और ये देखिए एक सैंडविच का, सॉरी सैंडविच नहीं, टोस्ट दे दिया था। और यही एक टाइम होता है, इस टाइम काफ़ी भागदौड़ होता है फ्रेंड्स, इसी टाइम दूध भी आ जाता है। तो दूध उबालती तो अभी नहीं हूँ मैं, बस इसको रख देती हूँ, सरस्वती का लंच बॉक्स बैग में रखती हूँ और वॉक करके जब आऊंगी तब उबालूंगी। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for. सरस्वती को स्कूल छोड़ते हैं, वॉक करती हूँ, फिर घर पे मिलती हूँ। We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. और हम लोग पहुंच गए हैं काफी जल्दी। काफी सरस्वती कहाँ हो, सामने आओ, किसको बोलती रहती हूँ, नहीं दिख रही हो तुम, आगे आओ, आगे आओ, इधर किसको, हाँ इसको मैं बोलती नहीं, इधर से आओ, हाँ इसको बोलती रहती हूँ। अभी टाइम है, थोड़ा देर बाद निकलते हैं, नहीं लेट हो रही है, लेट हो रही है मम्मी, जल्दी चलो, जल्दी चलो। जब मैं 7:30 निकलती हूँ तो फिर मैं 7:42 अब 20 मिनट पहले पहुँच गई है, तो उसको अंदर भी नहीं जाना, अब गाड़ी पे बैठ के वेट करेगी, तो अंदर चली जाती हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं, वेट कर लो। वॉक हो गया है फ्रेंड्स, और अभी हम लोग नारियल पानी पीने के लिए रुके हैं, फिर घर जाएंगे। तुम लोग मंगा लो, पास है मीठी चीज़ें, हाँ उससे मंगा देंगे। और फ्रेंड्स, सुबह का सारा काम हो चुका है, घर आने के बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, बस जो रोजाना का काम होता है, डस्टिंग, बेड लगाना, ये सारा काम हमने कर लिया है, पौधों में पानी दे दिए हैं। और ये जो रूम के अंदर मनी प्लांट्स रहते हैं, काफ़ी दिनों से इनका पानी चेंज नहीं किया था, तो बस इसी को मैं ठीक करने लगी हूँ। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, अभी दिनेश जी नहा रहे हैं, फिर हम दोनों जाएंगे नीचे मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाने। तो मैं तैयार हो चुकी थी, तो सोचा जब तक दिनेश जी तैयार हो रहे हैं फटाफट ये काम निपटा लेती हूँ। आज लंच का तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस सरस्वती के लिए खाना बनाना है, तो सोचा ये काम बहुत दिन से पेंडिंग था। मैं तकरीबन हर हफ्ते मनी प्लांट्स के पानी जो होते हैं ना, उसको चेंज कर देती हूँ, लेकिन इस बार
तकरीबन 20-25 दिन हो गए थे चेंज ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई ना कोई काम निकल जाता था, बिजी हो जा रही थी। तो सोचा आज टाइम है, और ये देखिए ये सरस्वती के लिए और सांभवी के लिए मैंने बबल टी मंगाया था ना, उसका बोतल है, कितना अच्छा यूज है ना इसका। तो चलिए फ्रेंड्स इनको अपने जगह पे रख देते हैं। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो पूजा हो गया है फ्रेंड्स, चलिए घर और कुछ खाने पीने का इंतजाम करेंगे। आज सरस्वती नहीं है, सरस्वती स्कूल गई हुई है, तो दिनेश जी के व्रत हमें है। दिनेश जी का भी आज फास्ट है, तो चलिए किचन में फ्रेंड्स कुछ बनाती हूँ दिनेश जी के लिए। अभी तो मैं खाना फ्राई करूंगी और साथ में चाय बनाऊंगी। अभी खाएंगे मखाना और साथ में लेंगे चाय। ये हम लोगों का सुबह का है ब्रेकफास्ट, और दिन में एप्पल चिया पुडिंग लेंगे। आप सबसे पिछले ब्लॉग में शेयर किया था मैंने मैंगो के साथ, सेम प्रोसेस से मैं एप्पल के साथ बनाऊंगी और वही हमारा लंच होगा। और रात को फिर देखते हैं दिनेश जी जो कहेंगे वो बना दूंगी, मन करेगा तो साबुदाने का टिक्की बना दूंगी। हमारे यहाँ नमक नहीं खाते हैं आज के दिन के फास्ट में, तो विदाउट नमक ही कुछ खाना पड़ेगा। तो अभी मखाना हो जाएगा, एक बार नारियल पानी पी लेंगे और दिन में खा लेंगे एप्पल चिया पुडिंग, और फिर रात को देखते हैं। अगर दिनेश जी को साबुदाने का टिक्की बहुत पसंद है तो टिक्की बना दूंगी साबुदाने का, दही के साथ ले लेंगे, लेकिन नमक बिल्कुल नहीं जाएगा, विदाउट नमक ही लेना पड़ेगा। और सरस्वती को आज मैं मैक्रोनी बना के दूंगी। सरस्वती का आज बिल्कुल ही फास्ट फूड डे ही हो जाएगा, क्योंकि सुबह टोस्ट ले गई थी और दिन में उसकी फरमाइश है मैक्रोनी खाने की, तो मुझे भी लगा जो चलो आसान है, मुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो दिन में मैक्रोनी बना लूंगी। और मैं सरस्वती सांभवी को प्याज लहसुन दे देती हूँ, फास्ट के दिन भी मेरे यहाँ प्याज बनता है। बस जब अपना फल का सामान बनाना होता है तो चूल्हा को साफ करके फिर मैं बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं नहीं मना करती हूँ, अगर वो फास्ट नहीं किए होते हैं तो प्याज लहसुन खा लेते हैं, तो बच्चों को मैं प्याज लहसुन दे देती हूँ। फ्रेंड्स मखाना फ्राई हो चुका है, चाय भी डन है, अब बस फटाफट से प्लेट लगाती हूँ और ब्रेकफास्ट करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं सरस्वती के लिए मैक्रोनी बनाने लगी हूँ फ्रेंड्स, बस थोड़ी देर में वो स्कूल से आ जाएगी। और कभी कभार मैं वन पॉट मिल जैसे मैक्रोनी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल में खूब सारा लहसुन अदरक हरी मिर्च को क्रश करके ऐड कर दिए थे, फिर एक ही साथ प्याज टमाटर ऐड कर दिए, उसको अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लिया था, फिर काली मिर्च पाउडर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए थे, मैगी मसाला मैजिक ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, और मैक्रोनी को वॉश करके मैंने ऐड कर दिया था। मैक्रोनी को मैंने बॉयल नहीं किया था, बस अच्छी तरह से वॉश करके ऐड कर दिया है, पानी ऐड कर देंगे और ढक के इसको पका लेंगे। कभी कभार आप इस तरह से बना के देखना फ्रेंड्स, बहुत मजे का बनता है। तो आज मैंने झटपट वाली मैक्रोनी बनाई है सरस्वती के लिए। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, ट्यूसडे का। आज मुझे कहीं जाना भी है तो फटाफट से पहले मैं सरस्वती के लिए लंच तैयार करने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ तिल वाले आलू, इसके साथ में उसको पराठा देंगे। तो ऑयल में मैंने हरी मिर्च खूब सारा धनिया पत्ता का तड़का ऐड कर दिया था, फिर मैंने उबला हुआ आलू ऐड कर दिया, नमक हल्दी लाल मिर्च पाउडर के साथ अच्छी तरह से आलू को क्रंची होने तक सॉटे कर लेंगे, फिर जाएगा इसमें मैगी मसाला मैजिक और रोस्टेड तिल। बस सब्जी डन है, लास्ट में कोरिएंडर लीव्स और नींबू का जूस ऐड करेंगे। तो झटपट से पराठा सेकती हूँ, सरस्वती का लंच बॉक्स पैक करती हूँ फ्रेंड्स, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी
अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। Even if you try, you wouldn't.